अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सवासिम ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बनाते हैं वेज मंचूरियन ग्रेवी। वेज मंचूरियन ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ले लिया है, इसे बारीक बारीक कटिंग कर ली। यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, गाजर को बारीक चॉप कर लीजिए। आधी गाजर लिया है मैंने यहाँ पे, आधी हाफ शिमला मिर्ची ली, इसे भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। यहाँ पे ग्रीन प्याज है, हरी प्याज ले लिए, इसे भी बारीक बारीक कटिंग कर लीजिए। यहाँ पे सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून मैदा है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। अब हमें ग्रेवी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे रेड चिली है 1 टेबल स्पून भर के, टमाटो केचप है 1 टेबल स्पून भर के, शेजवान चटनी है 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पे जिंजर गार्लिक बारीक कटर किया हो ये भी ले लीजिए आप, इससे बघारने में लगेगा। यहाँ पे नमक, काली मिर्ची दोनों 1/2 टेबल स्पून है, मैगी क्यूब ले लिया है मैंने, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं वरना स्किप भी कीजिए। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे बारीक कटिंग कर लीजिए। हरी मिर्ची ले लीजिए 1, यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची कटर किया हुआ बारीक, शिमला मिर्ची ले लीजिए आप थोड़ी सी, और यहाँ पे कुछ कोथमीर। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, बाउल में हम डालेंगे हमारे कैबेज, उसके बाद में हम डालेंगे हमारे ग्रीन प्याज, हमारी गाजर डालेंगे, शिमला मिर्ची ऐड करेंगे, इसमें हमें डालना है सबसे पहला नमक 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्ची ले लेंगे हम, यहाँ पे सोया सॉस ले लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे हम, और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर हम थोड़ा डालेंगे, 4 टेबल स्पून है उसमें से 2 ही डालिए। थोड़ा थोड़ा हम करके उसे वाइंडिंग करेंगे जितना हमें लगे, जितना ज़रूरत है हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा की। चलिए तो पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि नमक हमने डाला है तो सब्ज़ियाँ पानी खुद छोड़ेंगी। देखिए जैसे कि मैंने 2 टेबल स्पून दोनों डाला है मैदा कॉर्नफ्लावर, लेकिन ये वाइंडिंग नहीं हो रहा है, हम पूरा इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छी तरीके से हल्के हल्के आप इसे मिक्स कर लेना है इसे, और हमारा ये बाइंड, जैसे ही बाइंडिंग होगा मैं आपको बनाना, बाइंडिंग हो चुका है, आप हल्का हल्का तेल लगा लीजिए हाथों पे और इस तरीके से बॉल बना लीजिए। आप चाहे तो कोई भी साइज़ का बना सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने रख चुका है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, आहिस्ते आहिस्ते इसे हम तेल में छोड़ेंगे। हाथों में तेल लगा के हमें इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बॉल बना लेना है, बॉल हमें ज़्यादा बड़े साइज के नहीं बनाना है। ये देखिए हमारे मंचूरियन फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं आपको इसकी ग्रेवी बना के बता रही हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल ले लेंगे, 2 टेबल स्पून तेल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे हमारी प्याज, हरी मिर्ची, हमारा जो अदरक लहसुन कटर किया हुआ था, हरी मिर्ची, हमारे हम शिमला भी ऐड करेंगे, 1 से 2 मिनट ही पकाना है इनको, और कुछ नहीं करना है। देखिए प्याज और शिमला मिर्च और हमारी हो गई, इसमें हम मैगी क्यूब ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, टमाटो के साथ ऐड करेंगे, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, सॉरी टमाटो के साथ ऐड करेंगे, तब 1 टेबल स्पून आप डालिए नमक, काली मिर्ची ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से अपने, और हमारी शेजवान सॉस, सबको हमें मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा हमें हमारे स्प्रिंग ऑनियन और कोथमीर ऐड करना है,
कॉर्नफ्लावर का घोल घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। हमारे मटेरियल ऐड करेंगे, अच्छे से हमें मिक्स करना है। हमारे मंचूरियन हो चुके हैं, इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे ड्राई मंचूरियन रेडी हो चुके हैं, सॉरी वेज, देखिए हमारे वेज ग्रेवी मंचूरियन रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।